नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट टू को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं और प्रैक्टिस सेट वन उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, एंजॉय आपने किया होगा। नॉलेज को परखना बहुत आवश्यक है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम प्रैक्टिस सेट टू का डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो मिल पाएंगे। तो ऑप्शन देखेंगे इसमें, पहला है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स से है और पहला क्वेश्चन है टर्न टू लेफ्ट। अब हमें ध्यान होगा आपको कि जनरली ये तो वैसे दिशाओं के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, एक फ्रेज की तरह भी हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ सबसे सूटेबल आपका आना चाहिए ऑप्शन बी, टर्न टू द लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर टू है, सरिका सेड दैट सी वुड डॉट होम द नेक्स्ट डे। बताइए कौन सा लगेगा, चूज करिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। आपको मैंने बताया कई बार कि सभी मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म हमारे पास वुड के साथ एक ही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर थ्री, ही वॉज ओवरवेल्म्ड डॉट सोरो। फिक्स प्रपोजिशन से है, चूज करिए कौन सा ऑप्शन आएगा। यस, ओवरवेल्म के साथ फिक्स प्रपोजिशन है विद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फोर, ये आपका कंजक्शन से है, देखिए चूज करिए कौन सा आएगा, सोचिए। यस यस, ये कंडीशनल सेंटेंस का है और कंडीशनल सेंटेंस में हम न यट का प्रयोग करते हैं, न दो का प्रयोग करते हैं, न बट का प्रयोग करते हैं, ये हम इफ का प्रयोग करते हैं। यदि तुम आओगे तो मैं चला जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, विद द ग्रोइंग डॉट डॉट इन द कंट्री द गवर्नमेंट इज गियरिंग इट्स टू द क्वाइल द रेवेलियन। सो पहला है डिस्टरबेंस, इसका मतलब होता है उपद्रव। दूसरा ऑप्शन है टेंशन, टेंशन मीन्स तनाव। तीसरा ऑप्शन है अनरेस्ट, अनरेस्ट मीन्स अशांति। और चौथा ऑप्शन है इंसर्जेंसी, इसका मतलब होता है विद्रोह। तो देश में अनरेस्टनेस है, अनरेस्ट बढ़ गया है, बेचैनी आप कह सकते हो, जिसे आप कह सकते हो हलचल, जिसे आप कह सकते हो अशांति पैदा हो गई है। इस कारण सरकार ने अपनी गति तेज कर दी है ताकि विद्रोहियों को वह कुचला जा सके, उन्हें शांत किया जा सके। तो इन देखिए चारों ही शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ अशांति से या विद्रोह से लिया गया है। अब हमें सबसे मोस्ट सूटेबल देखना है और जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ वो सभी SSC के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और कई बार हम ये ध्यान रखना पड़ता है जो आंसर की ने गवर्नमेंट ने जो आंसर की जारी की थी उसमें उसको सही माना है, हमें उस पर भी याद का ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन सी ज्यादा सूटेबल है, ऑप्शन सी अनरेस्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ स्पेशल प्रोग्राम टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द ब्लेज फॉक हैज बीन। प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है, सभी जानते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेवन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग। थिंक अबाउट इट, कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, बोलिए। यस, ऑप्शन ए एंडिवर। क्वेश्चन नंबर एट, एबिलिटी का मतलब होता है, इसका हमें एंट्रेंस ढूंढना है। एबिलिटी मतलब होता है उत्सुकता, ओवर एक्टिव अत्यधिक ज्यादा उत्सुक आपका वो हो गया, एक्टिव ज्यादा है, सक्रिय ज्यादा है। केयरलेसनेस लापरवाह, ग्रीडी मीन्स लालची, स्टुपिडिटी यानी मूर्खता। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सबसे सूटेबल है। यस, इसका एंटोनाइम चाहिए और उसका एंटोनाइम है बी, केयरलेसनेस। नेक्स्ट है हार्स का एंटोनाइम क्या होगा,
हार्स मीन्स कठोर या जटिल। तो पहला ऑप्शन है जेंटल, जेंटल मीन्स सज्जन। स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर। जोवियल मीन्स प्रसन्न। और सोम्बर मीन्स आपका होता है निराशाजनक। तो उसमें सबसे सूटेबल ऑप्शन है हार्स का जेंटल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट है, चूज द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें वन वर्ड आपको देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दैट विच कैन नॉट बी अप्रोच और रीज्ड। देखिए चार ऑप्शन आपको, मैं चारों का हिंदी बता देता हूं। पहला है इनक्यूरेबल, मीन्स होता है असाध्य, जिस रोग का इलाज ना हो सके उसे कहते हैं इनक्यूरेबल। इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल का मतलब होता है जो प्रोबेबल का अपोजिट हो गया, यानी असंभावित। इम्प्रैक्टिकल का मतलब हो गया अव्यवहारिक, यानी प्रैक्टिकल का अपोजिट है। और अगला है डी इनएसेसेबल का मतलब होता है जिसे जहां तक पहुंचा नहीं जा सके, अनअप्रोचेबल, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, अ थिंग विच इज नॉट फ्रेश, जो फ्रेश नहीं है, जो ताजा नहीं है। ऑप्शन देखिए चार आपके पास हैं, बारबोश, डर्टी, स्टेल, टीटो टेलर। बारबोश होता है शब्द आडंबर, डर्टी मीन्स गंदा, स्टेल मीन्स बासी, टीटो टेलर मीन्स जो मद त्यागी अर्थात जो कोई भी नशा नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन ताजी का बासी, ऑप्शन सी, स्टेल। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपका सुनाम्स आपको देखना है। टर्मिनेट होता है नौकरी से निकाल देना, उसको टर्मिनेट कर दिया। अब देखिए चार ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। पहला ऑप्शन सस्पेंड, सस्पेंड आप जानते हो, निलंबित कर देना, स्थगित कर देना। डिसमिस मीन्स नौकरी से निकाल देना। एंड मीन्स समाप्त। और इंट्रैप का मतलब होता है बाधा डालना। तो चारों में सबसे सूटेबल ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, बोस्ट, बोस्ट होता है सेखी मारना। क्राई मीन्स चिल्लाना, एब्यूज मीन्स गाली देना, हेट मीन्स घृणा और ब्रैग मीन्स सेखी मारना। तो 13 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 और 15, अब देखेंगे 14 में फॉर्म ऑन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, यानी इसमें एक वर्ड आपको दे रखा है एक्सीलेंस, और एक्सीलेंस का आपको क्या है इसका एडजेक्टिव फॉर्म देखनी है, कौन सी एडजेक्टिव फॉर्म है। तो एक्सीलेंस आप ध्यान रखेंगे कि मोस्टली जो एवस्टेड नाउन होती हैं उनको सी ई में एंड उनका होता है, उनका एडजेक्टिव फॉर्म होता है वहाँ टी हो जाता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्म द प्लूरल ऑफ द नाउन, की का प्लूरल क्या होता है। आपको अच्छे से पता है कि वाई से पहले अगर वोवेल आया है तो हम उसमें एस जोड़ते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में ये आपका कॉमन यार्ड से है। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज नोएडा। आपको देखना है कौन सा पार्ट इधर है, थिंक अबाउट इट, सोचिए। फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है और उसको प्लूरल नहीं बनाया जाता, इसलिए पार्ट ए गलत है, फर्नीचर में एस आई एस नहीं जोड़ा जाता है। सभी मटेरियल नाउन और सभी आवश्यक नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए उसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस कई करोड़ स्टार्स तारे हैं इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी में जब हम इनको मिलियंस कह रहे हैं, करोड़ों कह रहे हैं, और जिन्हें काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल नाम के साथ कभी भी हाउ मच नहीं आता, हाउ मैनी आता है, यानी पार्ट सी गलत है। यहाँ पर
हाउ मेनी आएगा ना कि हाउ मच। क्वेश्चन नंबर 18, हिज सन इज वर्किंग वेरी, अब देखिएगा, हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हार्डली क्या है, हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है। हार्ड क्या है, हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है और हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ मैनर आता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद, जबकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है वर्ब से पहले। तो यहां पे पार्ट आपका सी गलत है, पार्ट आपका सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेसेस। अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास, इसका जो सुटेबल मीनिंग होता है अ सीक्रेट और हिडन एनिमी, ऑप्शन ए, और इनमें ज्यादा सुटेबल, सबसे सुटेबल यही लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, चूज द सुटेबल ऑप्शन ऑफ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। He said to her, "Are you coming to the party? Are you coming to the party?" Interrogative है और interrogative में said या said to को ask में बदला जाता है, connector के रूप में if या whether आता है। ये तो आप देखेंगे सभी में connector if और whether लगा हुआ है, तो यहाँ connector की तो problem नहीं होगी, और एक में told है, बाकी सब में ask है, तो वहाँ भी problem नहीं होगी। अब आपको ये देखना है कि ये आर यू वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जिसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस होगा, वॉच और आई सी का वॉच सी देखें किसमें है, तो ही आस्क्ड हर वेदर सी वुड, देखो वो ए ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वुड लगा हुआ है, दूसरे में टोल्ड है ये इसलिए गलत हो गया, तीसरा ही आस्क्ड हर इफ सी वॉच कमिंग टू द पार्टी, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ऑप्शन डी में यहां बिल भी आ गया ये इसलिए गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका एक्टिव और पैसिव फॉर्म ढूंढना है, तो आपको पहले तो ये देखना है कि एक्टिव है या पैसिव है। अगर पैसिव होता बी प्लस थर्ड फॉर्म होता, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। हु टॉट हर सच थिंग्स, हु टॉट हर सच थिंग्स, अब हु का क्रम बाय हुम बनाया जाएगा, और बाय हुम बनाया जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस है कि साइक्रिया लगाई जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट है ये, तो देखें बाय हुम वाले हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, हमारे पास बाय हुम वाले दो ऑप्शन हैं, ए और बी तो है नहीं कहीं बाय हुम उसमें, तो ऑप्शन सी है, एक बाय हुम वॉज सी, ये आपका सी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्यों में साइक्रियाकर्ता से पहले आनी चाहिए, यहां सक्रियकर्ता के बाद है, तो बाय हुम वॉज सी टॉट सच थिंग्स, ऑप्शन डी सूटेबल है। आपको यह देखना चारों में से कौन सा सही है, मैं आपको बिल्कुल तरीके से लाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप इजीली उसको पिक कर सके। नेक्स्ट है आपको रिओर्डर द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन अ मीनिंगफुल स्टोरी, रिओर्डरिंग है ये आपको, कॉलिंस वॉज नॉट अ सेंसिबल मैन, अब इसके चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ही इंटेंटेड टू मैरी, ही वॉन्टेड टू चूज वन ऑफ हर कजिन्स, ही हैड अ वाइफ इन व्यू, ही हैड अ गुड हाउस एंड सफिशियंट इनकम। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे सूटेबल है, इसका होना चाहिए Collins had, Collins was not a sensible man. Collins was not a sensible man. और उसके हिसाब से आगे he had a good, देखिए दो adjective दे रखें एक साथ जोड़ेंगे, he had a good house and sufficient. Basically ध्यान रखें reordering में आप ये पहला choose कर लें, इससे कौन सा match कर रहा है, बाकी सब मिल जाएंगे। देखिए यहाँ D से starting है, यहाँ B से starting है, E से starting है, C से starting है,
तो आपको केवल ये पहला देख लेना, इसमें पहला कौन सा है वो आप बाकी अपने आप मिल जाएंगे, ऑप्शन आपका सी। ये पैसेज है, इसमें 23 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन हैं, इसे आप रीड कर लें, स्क्रीनशॉट कर लेना और आराम से इसको रीड कर लेना। दो बार मैं आपको मैसेज दिखा देता हूं। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर द रियल एनिमी ऑफ द मैनकाइंड इज नॉट साइंस व्हाट वॉर। बिकॉज क्यों, पढ़ लिया होगा आपने और थोड़ा टाइम ले लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार और आपको मैं दिखा देता हूं। सो अकॉर्डिंग टू द राइटर द रियल एनिमी ऑफ द मैनकाइंड इज नॉट साइंस बट वॉर, बिकॉज बताइए, द वेपन्स इन्वेंटेड बाई साइंस डू नॉट कॉज वॉर दो दीज मेक इट मोर डेस्ट्रक्टिव। यानी किसी भी युद्ध के लिए कोई साइंटिफिक जितने भी इन्वेंशन है वो जिम्मेदार नहीं है, केवल साइंटिफिक जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसको घातक बना देते हैं लेकिन वो कारण नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन है, वॉर कैन बी स्टॉप्ड इफ, वॉर रोके जा सकते हैं, युद्ध रोके जा सकते हैं यदि, कब युद्ध रोके जा सकते हैं, इसमें आप पैसेज को पढ़ोगे, यदि पूरे वर्ल्ड में एक ही सरकार हो। जब एक ही सरकार होगी तो बाउंड्रीज की समस्या ही नहीं आएगी कि ये हमारा क्षेत्र है या उसका क्षेत्र है। देखो इसमें आपसे, वी रिप्लेस फोर्स एंड लॉलेसनेस बाय लॉ एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट। जब एक ही सरकार होगी तो हमें दिक्कत ही नहीं आएगी, पूरे वर्ल्ड में एक फौज होगी तो कोई समस्या ही नहीं आएगी, इसलिए इसका ऑप्शन बी। और 25 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द मेन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग विद इज टू, क्या है मेन प्रॉब्लम जिसके हम, अकॉर्डिंग टू द राइटर द मेन प्रॉब्लम वी आर फेस्ड विद इज टू, वो क्या है, एवलस ऑफ वार, हमें युद्ध को समाप्त करना है, हमारा मुख्य उद्देश्य है यहाँ इसमें है, स्टॉप साइंटिफिक एक्टिविटीज नहीं है। राइटर जहां जो कहना चाह रहा है वो ये नहीं चाह रहा कि साइंटिफिक एक्टिविटी खत्म कर दो, वो ये नहीं कहना चाह रहा कि साइंटिफिक एक्टिविटी खत्म कर दो, ये आपका गलत है। अगला, स्टॉप साइंस फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सोशल फोर्सेज, ये भी आपका गलत है। प्रिवेंट साइंटिफिक फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रेजेंट होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।